ये बताएं पंडित जी, आप बताएं, जहां तक शनि अमावस्या का प्रश्न है, आखिरकार इसको शनि अमावस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि शनिवार के दिन अमावस्या है, इसलिए शनि अमावस्या जी। आज देखिए, एक गुप्ता जी के साथ में और एक बहुत ही कल्याणकारी बात जोड़ता हूँ जी। आज इम्पोर्टेंट बातें जो है शनि अमावस्या के दिन, आज सती रानी सती का दिन है सर, बहुत ही बढ़िया दिन, कल्याणकारी दिन। शनिवार के दिन जिस दिन अमावस्या पड़ती है उसको शनि अमावस्या बोलते हैं, और पिठौरी अमावस्या भी आज इसको बोलते हैं। आज जो है आप माता जी का जो उपवास रखें, माता जी के चरणों में वंदना करें, और शनि को जो है नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारदंड संभुत्तम तम नमामि शनेश्वरम, इसका इस मंत्र का जाप करें, ओम प्रोम प्रीम शनिश्चराय नमः का जाप करें। और यहाँ तक अनिष्टकारी की बात है, जिन चैनल के माध्यम से, कुछ चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं आज ये हो जाएगा, बहुत अशुभ घटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो उन चीजों के ऊपर आप विश्वास मत करें। मुझे लगता है कि सहारा समय का RKB शो एक दर्पण है इन चीजों के लिए, जो लोगों को ये दिखाता है कि सत्य क्या है। असत्य की ओर में, TRP की ओर में जिस तरह चैनल आप इस अध्ययन का, इस संस्कृति का शोषण कर रहे हैं, मैं पंडित बिरादरी को और सब बिरादरी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वंदना करता हूं कि इस तरह की बातें बंद करें, नहीं तो लोगों का ज्योतिष के ऊपर से, नवग्रहों के ऊपर से, कुंडली के अध्ययन के ऊपर से, करोड़ों अरबों सालों की पूर्वजों की इस सदा के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इस क्योंकि गुप्ता जी की बात से पूरा सहमत हूं मैं, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है सर। शनि अमावस्या कुछ नहीं है कि आप मर जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा, कुछ नहीं।